हमारे पास एक क्वेश्चन है क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। इसमें हमें एक एक्सप्रेशन दिया है 64 अपॉन 125 रेज टू पावर माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 256 अपॉन 625 रेज टू पावर 1 अपॉन 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 64। और हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके ये प्रूव करना है कि इसका जो आंसर आएगा वो 65 अपॉन 16 होगा। तो हम इस इक्वेशन का LHS पार्ट ले लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखो बच्चा, LHS पार्ट में सबसे पहले फोकस करो इस माइनस 2 अपॉन 3 पे, पावर माइनस 2 अपॉन 3 पे। तो ये नेगेटिव पावर है, पावर अगर नेगेटिव हो बच्चा तो हम बेस का रेसिप्रोकल करेंगे सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 125 अपॉन 64 होल पावर। रेसिप्रोकल करने के बाद पावर का साइन बदल जाएगा और पावर पॉजिटिव बन जाएगी, प्लस 1 अपॉन, अब हम 256 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे और 256 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो हमें मिलता है 2 रेज टू पावर 8, और 625 को भी अगर हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 5 रेज टू पावर 4, और होल पावर यहां पर हमारे पास 1 अपॉन 4 आ जाएगी। और स्क्वेयर रूट ऑफ 25 इज 5, और क्यूबिक रूट ऑफ 64 हम निकालेंगे। उसके लिए हमें 64 को पहले प्राइम फैक्टराइज करना होगा। देखो बच्चा, 64 को अगर हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, 64 डिवाइडेड बाय 2 32, 32 को 2 से करेंगे 16 आएगा, 16 को 2 से करेंगे 8 आएगा, 8 को 2 से करेंगे 4 आएगा, और 4 को 2 से करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, और फाइनली 2 2 से डिवाइड होके 1 आ जाएगा। अब क्योंकि हमने क्यूबिक रूट फाइंड करना है तो हमने हर नंबर का ट्रिपलेट बनाना होगा, इन नंबर का ट्रिपलेट बनाना होगा। जैसे कि ये 3 2 आ रहे हैं तो 1 2 यहां हम लिख लेंगे, क्यूबिक रूट के साइन के बाहर आएगा। अगेन इन तीन टूज का, थ्री टूज का एक ट्रिपलेट और बन जाएगा। अब कोई नंबर नहीं बचे तो क्यूबिक रूट क्या रहेगा 64 का, 2 मल्टीप्लाई 2 4, तो यहां पर हमारे पास 5 अपॉन 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप 125 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और होगी बच्चा 5 क्यूब, जैसे अभी 64 की करी थी इस वे में करके देखेंगे, और 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 रेज टू पावर 6, ये हम कर ही चुके हैं यहां पर, और होल पावर 2 अपॉन 3 प्लस, अभी इसको हम एज इट इज कॉपी कर देते हैं, जो 2 रेज टू पावर 8 अपॉन 5 रेज टू पावर 4 होल पावर 1 अपॉन 4 को, इसको नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, प्लस 5 अपॉन 4। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चा ध्यान दो, जो ये ब्रैकेट के बाहर पावर है ना 2 अपॉन 3, ये पावर न्यूमरेटर के साथ भी जाएगी और डिनोमिनेटर के साथ भी जाएगी। जब इसे हम न्यूमरेटर के साथ लेंगे तो हम इसे लिखेंगे 5 रेज टू पावर 3 आउटसाइड ब्रैकेट 2 अपॉन 3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2 रेज टू पावर 6, और ये 2 अपॉन 3 पावर जो है इसके साथ भी जाएगी, तो 2 रेज टू पावर 6 आउटसाइड ब्रैकेट पावर 2 अपॉन 3 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन, सेम थिंग हम यहां करेंगे, 2 रेज टू पावर 8 ब्रैकेट पावर 1 अपॉन 4, क्योंकि ये जो पावर 1 अपॉन 4 है ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ जाएगी, अपॉन 5 रेज टू पावर 4 ब्रैकेट 1 अपॉन 4, और जो ये प्लस 5 अपॉन 4 है इसे अभी एज इट इज कॉपी करेंगे। नेक्स्ट हम एक लॉ यूज करेंगे, वो होता है बच्चा a रेज टू पावर m आउटसाइड ब्रैकेट पावर no, उसको हम a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई n कर सकते हैं, यानी कि ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो बच्चा, जब 3 इंटू 2 अपॉन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और 3 कट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इधर 5 स्क्वायर। सिमिलरली इस 6 को 3 से कट करेंगे तो यहां पर 1 आएगा, और 6 डिवाइडेड बाय 3 क्या होता है 2, और 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन, अब 8 इंटू 1 अपॉन 4 करेंगे उससे क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है बच्चा 2 होता है, तो 2 इंटू 1 2, तो यहां पर 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगा, और ये 4 इस 4 से कट होगा जब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो डिनोमिनेटर में 5 रेज टू पावर 1 होगा, और 5 रेज टू पावर 1 को हम 5 भी लिख सकते हैं, प्लस 5 अपॉन 4 एज इट इज कॉपी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 5 स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 इज 25, और 2 की पावर 4 को अगर सॉल्व करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 16 आएगा, प्लस 1 इंटू इस वाली
फ्रैक्शन का हम रेसिप्रोकल कर लेंगे बच्चा, जैसे 1 इंटू इधर लिखेंगे 5 अपॉन 2 रेस टू पावर 2, और 2 रेस टू पावर 2 की जगह हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते हैं, तो 5 अपॉन 4 प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 25 अपॉन 16 प्लस 1 मल्टीप्लाई एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ, तो 1 मल्टीप्लाई 5 बाय 4 क्या होगा 5 बाय 4 प्लस 5 बाय 4। अब एलसीएम लेंगे नेक्स्ट हम डिनोमिनेटर्स का, 16 4 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 16 आएगा। अब 16 1 दा 16 होता है, तो 25 को भी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां 25 हो गया प्लस 4 टाइम्स 4 16 होता है, 4 4 दा 16 तो 5 4 दा 20 हो जाएगा, इधर अगेन 4 4 दा 16 तो इधर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 दा 20 आ जाएगा इधर, और 25 प्लस 20 प्लस 20 इन तीनों नंबर को ऐड करते तो हमें मिलता है 65 और डिनोमिनेटर में 16 और दिस इज इक्वल टू आरएचएस। आरएचएस में भी हमारे पास 65 अपॉन 16 था, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड।